देवभूमि उत्तराखंड, जहां समग्र विकास का संकल्प हो रहा है सिद्ध। नए हाईवे, सड़कें, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सभी बुनियादी सुविधाओं का हुआ है विकास। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है, मेरे शब्द लिख के रखिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरंतर प्रयासों ने राज्य में चहुमुखी विकास को संभव किया है। विकास की इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लगभग 4,200 करोड़ रुपए की 23 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। आज जिन कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है उनमें विभिन्न क्षेत्रों की योजनाएं शामिल हैं। किसानों की आय में वृद्धि के लिए 809 करोड़ रुपए की लागत से सघन सेब के बागानों की खेती और 304 करोड़ रुपए की लागत से 21,400 पॉलीहाउसों के निर्माण कार्य। राज्य में उच्च स्तरीय शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए 129 करोड़ रुपए की लागत से 20 मॉडल डिग्री कॉलेजों में हॉस्टल और कंप्यूटर लैब। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को उच्चतम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 53 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा के सोमेश्वर में 100 बेड का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और चंपावत में 50 बेड का हॉस्पिटल ब्लॉक। उत्तराखंड में मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से 474 करोड़ रुपए की लागत से 32 पुलों, अग्नि सुरक्षा के लिए बचाव उपकरणों और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को अपग्रेड करने का कार्य। 178 करोड़ रुपए की लागत से नैनीताल के बलिया नाला में भूस्खलन की रोकथाम हेतु उपचार कार्य। राज्य में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए 42 करोड़ रुपए की लागत से रुद्रपुर में वेलोड्रोम और हल्द्वानी में एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 29 करोड़ रुपए की लागत से जागेश्वर धाम, हाट कालिका और नैना देवी मंदिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य। और राज्य में कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए 827 करोड़ रुपए की लागत से 5 स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 लेन एवं ढलान उपचार कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 10 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। 395 करोड़ रुपए की लागत से 5 अलग अलग स्थानों पर सड़क सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रीय राजमार्गों के 2 लेन कार्य, जिससे कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 331 करोड़ रुपए की लागत से 76 मार्गों और 25 सेतु, जिनसे स्थानीय निवासियों के लिए बाजार, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं उनकी पहुंच में आ गई हैं। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 35 करोड़ की लागत से 9 जिलों में 15 ब्लॉक ऑफिस भवनों का निर्माण कार्य। और जल जीवन मिशन के तहत 260 करोड़ रुपए की लागत की 460 पेयजल योजनाएं, जिनसे लाखों ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। आपदा प्रबंधन के लिए विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 214 करोड़ रुपए की लागत से 39 पुलों एवं देहरादून में उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नए भवन। पिथौरागढ़ में 32 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आर्टिफिशियल लेक, जो किसानों के लिए सिंचाई में बेहद सहायक होगी। और विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार के लिए 82 करोड़ रुपए की लागत से 132 किलोवाट पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत ट्रांसमिशन लाइन का लोकार्पण हो रहा है। इन सभी योजनाओं के साथ उत्तराखंड की विकास यात्रा में जुड़ रहा है एक नया अध्याय। अगला दशक उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है।